हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास सवाल में एक ये है, ये जो है चतुर्भुज दिया हुआ है बच्चों, उसमें हमें यहाँ पे चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास इसमें क्या है बच्चों, चतुर्भुज, एक चतुर्भुज दिया है बच्चों उसने हमें ए बी सी डी। तो ठीक है बच्चों, ये जैसा कि हमारे सामने है, यहाँ पर डायग्राम है। इसमें बच्चों सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम सबसे पहले बी को मिलाएंगे डी से। ये देखो ऐसे करके बी को मिला दिया हमने डी से। अब यहाँ पर जो चीज आती है हमारे सामने वो ये आती है कि यहाँ पर दो बन चुके हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज बन चुके हैं। जैसा कि एक त्रिभुज हमारे पास बन चुका है बच्चों, कौन सा, ए बी डी। इसके दो पार्ट्स करने पर एक त्रिभुज बन चुका है बच्चों ए बी डी, और इसका ये जो है सेकंड जो पार्ट बना है वो है बी सी डी। तो दूसरा त्रिभुज बना है बच्चों बी सी डी। ऐसे करके हमारे पास बच्चों दो त्रिभुज आ गए हैं, एक त्रिभुज बना है हमारे पास ए बी डी और एक बना है बी सी डी। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो यहां पर सबसे पहले जैसे हमारे पास ए की रकम है, क्या है बच्चों, ए की रकम -4, -2। बी की रकम क्या है बच्चों हमारे पास, बी की रकम हमारे पास है बच्चों -3, -5। फिर उसके बाद है बच्चों सी की रकम क्या है, देखो सी की रकम है -3, -2। फिर उसके बाद बच्चों डी की रकम है 2, 3। अब ये हो गया है कि बच्चों देखो जैसे हमारे पास इसमें दोनों त्रिभुज आ गए हैं, तो हमारा काम है इन दोनों का ही क्षेत्रफल निकालना। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे वो देखो जरा किस तरीके से निकालेंगे, तो आइए देखते हैं बच्चों। तो हम अब यहां करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और फिर उसके बाद बी सी डी का क्षेत्रफल। तो जैसा कि बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट रकम है इसको हम बोलते हैं ए, इसको हमने बोला है बी, इसको हम बोलेंगे सी, और ये हमारा है डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी। अब जो इसमें बच्चों हमारा जो पहला जो काम है वो हमने निकालना है त्रिभुज, यहां निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल तो ये निकालना है हमने बच्चों, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास जो रकम होगी वो होगी कि हमने एक रकम लेनी है, ए की रकम, एक हम लेंगे बच्चों यहाँ पे बी की रकम, और एक हम लेंगे बच्चों यहाँ पे डी की रकम। क्योंकि हमारा काम है कि हमने इसमें ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं इसमें रकम ए की। ए की रकम है 4, -2। बी की रकम है बच्चों हमारे पास -3, -5। सी की रकम, सॉरी डी की रकम है हमारे पास 2, 3। तो पहला त्रिभुज है बच्चों हमारा ए बी डी, तो यानी हमने यहां से देखो ये रकम ली है, ए की रकम ली है, बी की रकम ली है और डी की रकम ली है, ए बी डी। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये जो फर्स्ट रकम होती है इसको हम बोलते हैं एक्स वन, यहां से जो फर्स्ट रकम होती है इसको हम बोलते हैं वाई वन, यहां से जो रकम होती है वो होती है एक्स टू, यहां से जो रकम होती है वो होती है वाई टू। उसके बाद ये हो जाएगी हमारी एक्स थ्री और ये हो जाएगी हमारी वाई थ्री। अब क्योंकि बच्चों हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये मतलब जो निकाल रहे हैं, तो यहां लगेगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों यहां, सॉरी ये बटे तो हो गया, सबसे पहले एक्स वन, उसके बाद आ जाएगा बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट
उसके बाद फिर से आ जाएगा प्लस यहाँ पे एक्स टू, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्लस एक्स थ्री, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट, और फिर यहां से क्लोज। तो इसमें हम करते हैं बच्चों यहां पे एक्स थ्री। तो अब इसका जो फॉर्मूला है बच्चों देखो इसमें क्या भरा जाएगा, यहां पर है फॉर्मूले में इसका जो फॉर्मूला है बच्चों काफी लॉन्ग है, तो इसमें सबसे पहले है वाई टू माइनस वाई थ्री, यहां पे फॉर्मूले में है वाई टू माइनस वाई थ्री, उसके बाद यहां फॉर्मूले में है वाई थ्री माइनस वाई वन, यहां वाले फॉर्मूले में है बच्चों वाई थ्री माइनस वाई वन, और लास्ट में है बच्चों वाई वन माइनस वाई टू। तो ये है बच्चों हमारा फॉर्मूला y1 माइनस y2। तो ये है बच्चों हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो आइए इसको हम करते हैं अब सॉल्व। तो बच्चों देखो सबसे पहले जो जो चीजें उसने हमको दी है पहले हम उनको राइट डाउन करते चलते हैं। एक बटे दो ब्रैकेट एक्स वन, एक्स वन बच्चों माइनस चार है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों गुणा का साइन आएगा, वाई टू माइनस वाई थ्री, y2 बच्चों हमारे पास माइनस पांच है, y3 कितना है तीन है, तो यहां पे आ जाएगा तीन, उसके बाद यहां पे आ जाएगा बच्चों प्लस x2 बच्चों x2 माइनस थ्री है हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट। अब देखो ये है y3 माइनस y1, y3 हमारे पास कितना है बच्चों तीन है, और y1 कितना है माइनस दो, तो क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे करके, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आएगा बच्चों यहां पर x3 बच्चों हमारे पास दो है, फिर दो गुणा में फिर उसके बाद है बच्चों वाई वन और माइनस वाई टू। y1 हमारे पास कितना है बच्चों यहां पर माइनस दो है, और y2 बच्चों हमारे पास कितना है माइनस पांच है, हाँ y2 माइनस पांच है, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। अब इनको हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले एक बटे दो ब्रैकेट, माइनस का चार आ गया ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का आठ, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहां प्लस, ये माइनस के तीन को भी ऐसे रखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई इसको करते हैं, ये हो जाएगा तीन जमा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहां पे दो हो जाएगा यहां पे, ठीक है जमा का। फिर उसके बाद बच्चों यहां करेंगे प्लस दो गुणा में माइनस दो, इसको ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। इसका अब ये जो हम यहां कर लेते हैं यहां पर ये जो बाकी पार्ट है, तो इसको हम कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा ऊपर, या फिर यहां कर लेते हैं, चलो साइड में कर लेते हैं, बहुत यहां पे स्पेस है, तो यहां पे हम स्पेस बना लेते हैं, यहां कर लेते हैं हम बाकी पार्ट को सॉल्व। तो इसके बाद बच्चों सबसे पहले हमारे पास है वन बाय टू यानी एक बटे दो ब्रैकेट, ये हो जाएगा बच्चों यहां पर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा चार, ये जो चार अठे बत्तीस, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा तीन और दो पांच, और ये हो जाएगा पांच ये जो पंद्रह, तो माइनस का पंद्रह आएगा, ठीक है बच्चों, तो क्योंकि यहां पे क्या है माइनस का तीन है, तीन और दो बन जाएगा पांच, और फिर इसको हम कर देंगे गुणा किसमें माइनस थ्री में, तो ये हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन, ये पंद्रह आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा बच्चों यहां पर पांच में से दो गए, तो देखो यहां बचेगा ये जो है तीन बचेगा, और तीन की गुणा करेंगे इसमें दो में, तो तीन दुनी छह, तो यहां बनेगा बच्चों हमारे पास ये है प्लस का छह, ठीक है बच्चों। अभी से हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बटे दो ये आ जाएगा ऐसे करके ब्रैकेट में, पहले हम लिख लेते हैं बच्चों यहां पे बत्तीस, अब देखो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहां बचेगा पंद्रह में से छह गए नौ, तो यहां बचेगा माइनस का नौ। अब ये देखो जरा बत्तीस में से नौ गए यानी कितना बचेगा, यहां पे बचेगा बच्चों हमारे पास एक बटे दो गुणा में, तो देखो ये हो जाएगा बारह में से नौ गए कितना हो जाएगा बच्चों तीन,
यहाँ बचेगा 3 और आगे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 23। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 23, और फिर इस 23 के नीचे हम रख देंगे 1। तो अब क्या हो जाएगा,